हमारे साथ यहाँ पर किसान आंदोलन के बीच मौजूद हैं प्रीतम सिंह जी, जो कि उत्तराखंड के कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हैं। आज हम उनसे बात करके जानेंगे कि यहाँ पर क्या हालात हैं। सर, किसान आंदोलन लगातार जारी है, इस बीच किसान और सरकार वार्ताओं के भी दौर हुए, एक डेडलॉक जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ये भी अपनी जिद पर हैं तो वो भी अपनी जिद पर है, इसका समाधान किस तरह से निकाला जाना चाहिए सर? देखिए, जिस तरीके से किसानों के हितों के विपरीत तीन काले कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए गए, उससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बहुमत के आधार पर लोकतंत्र की हत्या करते हुए इन तीन काले कानूनों को जो है किसानों के ऊपर थोपने का काम किया। आज प्रश्न ये है कि MSP, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, सरकार कहती है कि हम MSP नहीं ख़त्म करेंगे, और किसान कह रहा है MSP को जो है कानून में समायोजित किया जाए, और मंडी की भी बात हो रही। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार ने मंडी के क्षेत्र में, जहाँ एक और सरकारी मंडियाँ रहेंगी, वहीं दूसरी ओर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी मंडी में काम करेंगे। जो होगा क्या, जब किसान अपनी फसल को लेकर के मंडी में आएगा तो जो सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य घोषित होगा, जो प्राइवेट मंडी वाले होंगे उससे ज़्यादा जो है वो धन देने का काम करेंगे, और 3-4 साल तक ये चीज़ें चलती रहेगी। अंततः सरकारी मंडी समाप्त हो जाएगी और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी मंडी एग्जिस्टेंस में आएगी, और उससे मनमाने तरीके से किसानों का शोषण करेंगे। और इसके साथ साथ सरकार ने जो है 1955 में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम बना था उसको भी समाप्त कर दिया। पहले इस बात का कानून था कि आप एक सीमित मात्रा में भंडारण करेंगे, लेकिन उस कानून को समाप्त करके जो है असीमित मात्रा में भंडारण की इजाजत जो है आपने प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी है। तो इसके किसान का तो शोषण हो ही रहा, लेकिन जो व्यक्ति कोई चीज़ भंडारण करेगा वो बाज़ार में तब लाएगा जब उसके मूल्य जो है आसमान छू रहे होंगे, तो एक गरीब आदमी भी जो है निश्चित रूप से उसे प्रभावित होगा। सर, जो BJP के तमाम बड़े नेता हैं, क्योंकि आप कांग्रेस हैं इसलिए मेरा सवाल यह है आपसे कि सर, वो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, एक समय पर कांग्रेस भी इन कानूनों में संशोधन की बात कहा करती थी, लेकिन अब जब इस सरकार कानून लेकर आई है तो कांग्रेस दूसरी दिशा में बात कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने जो बात कही, तो कांग्रेस में कौन थे प्रधानमंत्री? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हर चीज़ को समझते हैं और जानते हैं, और कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में इस पर बहस कराती, और अगर उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो इसको जो है सेलेक्ट कमेटी को देती, सेलेक्ट कमेटी के माध्यम से जो सुझाव होते उसको उसमें रख करके कानून बनाते। लेकिन सत्ता में बैठे हुक्मरान तो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं, और आज भी हालत क्या है, किसानों को वार्ता का न्योता देते हैं, कहते हैं कि भाई हम इन विषय पर बात करेंगे लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे। ऐसी क्या बात है? ठीक है सर, अगर ये कानून किसानों के हितों में है तो किसान सड़कों पर क्यों संघर्ष कर रहा है? ये तो सत्ता में बैठे लोगों को सोचना चाहिए। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब टिकैत जी थे तो उन्होंने जो है, आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर 1 लाख किसानों को लेकर के प्रवेश किया था, आने दिया गया दिल्ली पर। लेकिन आज क्या हो रहा है, किसानों को जिस तरीके से रोका जा रहा है, जिस तरीके से मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ वो लोकतंत्र के लिए जो है उचित नहीं है। कहाँ मुकदमे दायर किए गए सर? कहाँ मुकदमे किए गए? हाँ, उत्तराखंड राज्य के अंदर। मैं आपको जानकारी में मैं लाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के किसान जब दिल्ली कूच कर रहे थे तो उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन किसान शांतिपूर्ण तरीके से आए और लगभग 1500 लोगों पर जो है मुकदमे दायर किए गए। सरकार ने तो शुरुआत से ही कहा था कि आप बुराड़ी में आइए, निरंकारी जो ग्राउंड है वहाँ पर आइए, वहाँ बैठ के बात करते हैं। एक बात है, किसान आंदोलन करने आ रहे हैं, किसी की जो है कथा सुनने नहीं आ रहे। किसान जब रामलीला मैदान में जाना चाह रहा था तो क्यों रोका गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है सर, ये बताइए, अभी जो कानूनों में जो जिस तरीके से बदलाव किए गए उसको आप बता रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की गई, इससे पहले जो कानून थे वो बेहतर थे किसानों के लिए? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तब सरकारी मंडी एग्जिस्टेंस में रहती, कोई असीमित भंडारण नहीं कर सकता है, और साथ ही साथ जो है समर्थन मूल्य भी जो मिल रहा था। ये जो कानून आए इससे तो सब चीज़ें ध्वस्त हो रही है, किसान के हाथ से आप सारी चीज़ें छीनने का काम कर रहे हैं। अरे ऐसी क्या बात है कि आप कुछ लोगों से बात करके जो है कह रहे हैं कि ये कानून बहुत अच्छे,
अगर कानून बहुत अच्छे होते तो आप खुद अंदाजा लगा सकते ये किसान क्यों संघर्ष कर रहे थे भाई। कई दूसरे राज्यों के किसान जो है वो समर्थन में भी हैं, समर्थन की बातें भी आ रही हैं, समर्थन की खबरें। ये बीजेपी है डिवाइड एंड रूल, किसानों में फूट डालो राज करो, वोट हासिल करने के लिए उन्होंने इस देश के सांप्रदायिक स्वार्थ को समाप्त करने का काम किया और आज किसानों में फूट डालने के लिए वो कई लोगों को सामने ला करके कह रहे कि साहब किसान कह रहे कि कानून जो है किसानों के हितों में, अगर किसानों के हितों में होता तो मैं समझता हूँ कदापि जो है किसान संघर्ष नहीं करते। एक नहीं न जाने कितने किसानों ने इस आंदोलन में अपनी प्राणों की आहुति देने का काम किया, लेकिन एक शब्द जो है देश के प्रधानमंत्री के मुँह से नहीं निकला है। देखिए पंजाब और हरियाणा वहाँ के किसान जब MSP पर बात करते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित हैं, बस सबसे ज़्यादा 95% जो किसान हैं पंजाब और हरियाणा के लाभान्वित होते हैं MSP सर, वो MSP की बात करते हैं समझ में आता है। उत्तराखंड के किसान किस मुद्दे पर यहाँ हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तराखंड राज्य के अंदर भी जो समर्थन मूल्य है उसी के अनुरूप जो धान और गेहूँ की खरीद होती है, लेकिन इस कानून के बनने के बाद आप जा कर के पूछिए उधम सिंह नगर जनपद में कि 1868 रुपया समर्थन मूल्य था लेकिन किसानों का धान जो है 1200-1300-1400। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि इसमें किसानों का हित छुपा है इन कानूनों में, MSP कहीं नहीं जाने वाली है। अरे प्रधानमंत्री जी की बातों पर अगर भरोसा करेंगे तो सिवाय जुमले के इस देश को प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये भी तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था। बेरोजगारों को रोजगार देंगे, ये भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था। बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये नारा किसने दिया था ये भी मोदी जी ने ही कहा था, लेकिन 15 लाख रुपये आपके खातों में आए ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आए, काला धन आया, तो प्रधानमंत्री जी को सिवाय जुमलेबाजी के और कुछ सूझता नहीं है। वो तो मोर को दाना खिला रहे हैं और किसान सड़कों पर संघर्ष। प्रधानमंत्री जी परसों लाइव आए, टीवी पर आए, उन्होंने टीवी पर आकर बताया कि जो कांग्रेस है वो लोगों किसानों को एक तरीके से बरगलाने का काम करी। आप कांग्रेस हैं इसलिए मेरा सवाल है आपसे। मैं वही कह रहा हूँ जो बातें मैंने आपको इससे पूर्व गिनवाई वो तो हमने नहीं कही, ये बातें भी प्रधानमंत्री जी ने टेलीविजन पर आकर के कही, बंद कमरे में नहीं कही, टेलीविजन पर आकर के कही, लेकिन उसके अनुरूप आचरण किया प्रधानमंत्री जी ने। अरे कांग्रेस जो है आंदोलन को बढ़ावा नहीं दे रही है बल्कि इस कड़कड़ाती हुई ठंड में किसान खुले आसमान के नीचे सरकार के खिलाफ संघर्ष करना का काम कर रहा है, अपने हितों के संरक्षण के लिए काम संघर्ष कर रहा है, कांग्रेस खड़ी है। देखिए अब तो क्या है ना कि डेडलॉक जैसी स्थिति बन चुकी है, ज़्यादा बात भी नहीं हो रही है, बात बन भी नहीं है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी तो हमारे किसान साथी तय करेंगे। किसानों से इरत पार्टी स्टैंड क्या है आपका? हम किसानों के साथ किसानों की लड़ाई में खड़े हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि किसानों की इस लड़ाई में कांग्रेस किसानों के साथ खड़े होने का काम। कानून में संशोधन को लेकर जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था किसानों ने तो उसको पूर्णतः खारिज कर दिया, आपको क्या लगता है कि वो जो प्रस्ताव दिया गया था वो ठीक था? नहीं देखिए सही बात है, किसानों के हितों पर अगर कुठाराघात होगा, किसानों के हितों के विपरीत अगर कोई कानून होगा तो स्वाभाविक बात है प्रतिक्रिया होगी, और किसान प्रतिक्रिया के रूप में जो है आज आप देख लीजिए दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं, और अगर संघर्ष होगा लड़ाई होगी तो हम भी किसान हैं पहले, आज आप कांग्रेस हम बाद में, पहले हम भी किसान हैं, तो अगर किसानों के हितों पर कुठाराघात होगा तो हम उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इसको अगर थोड़ा सा अर्थशास्त्र के लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं तो MSP अगर लागू कर दी जाती है, मान लीजिए अभी 23 फसलों पर MSP दी जाती है, 23 फसलों पर ही अगर कानून बना दिया जाता है, सरकार के पास पहले से 1,80,00,000 रुपये का पहले से भंडारण मौजूद है, 1,080,00,000 का भंडारण मौजूद है, ये और फिर देगी कहाँ से सरकार? मैं वही कह रहा हूँ, सरकार एक और MSP का जिक्र करती है लेकिन उसको कानूनी रूप नहीं देना चाहती है, क्यों? ये इसकी जवाबदेही भी तो सरकार की है। ऐसा लगता है कि कानून बनने से पहले अडानी और अंबानी से जो है सरकार का बिल्कुल पैक्ट हुआ है, अन्यथा इस देश के अंदर 1955 में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम विद्यमान था उसको क्यों खत्म किया गया? आज हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर जो है 100-100 एकड़ में अडानी और अंबानी के गोदाम बन गए,
कैसे बन गए? ये तो सरकार, जो सरकार जो है चंद लोगों के हितों को संरक्षित करने के लिए किसान की कमर तोड़ने का काम कर रहा है और किसान के घावों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है, इसे किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का।